हाय फ्रेंड, एक बार इस तरह से मछली बना करके खा लिया तो पुराने सारे तरीके आप भूल जाएंगे। ये मछली इतना टेस्टी बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने आधा किलो मछली ले लिया। इसे अच्छी तरह से धो के आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाले हैं और आधा चम्मच इसमें नींबू का रस ऐड किए हैं और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो चलिए अब इसे हमें फ्राई करना है। तो हमने तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो गर्मा गर्म तेल में एक बड़ी में जितना मछली आएगा डाल करके हमें 6-7 मिनट के लिए इसे हमें फ्राई करना है। ये देख लीजिए इस तरह से कलर आ जाए, बस इसे हम निकाल लेंगे और बाकी का मछली इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इधर हमने एक टमाटर, एक प्याज और 2 गट्टी हमने लहसुन के, मछली में लहसुन ज़्यादा डलता है, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च 5-6, एक छोटा सा टुकड़ा हमने नारियल का काट लिया है और आधा कप धनिया लिया है। इसे हमें पीस लेना है पानी डालकर। मसाला हमने पीस लिए हैं और यही तेल में हम ये मसाले को डाल देंगे। मछली में तेल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और थोड़ा सा पानी इसमें डाले हैं हमने और इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसमें भी हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। चलिए सबसे पहले इसमें हम 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं और टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसे मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे कांदा लहसुन मसाला 1.5 से 2 चम्मच के आसपास इसमें ऐड करेंगे। इसे ये मछली का जायका बहुत बढ़ जाएगा। और इसे मिक्स करके हमें मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। कम से कम इसे हमने 12 से 15 मिनट भूना था और इसमें हमने 2 चम्मच इमली का पल्प डाला था। और ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे गर्मा गर्म पानी, तो जितना आपको रसा चाहिए उसके हिसाब से पानी ऐड कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर नमक वगैरह चेक कर लेना है एक बार। और इसमें हम ऐड कर देंगे मछली, मछली डाल करके इसे हमें ज़्यादा नहीं चलाना और इसे हमें 12 से 15 मिनट तक मछली को हम पकाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर मछली हमारा रेडी है, 12 से 15 मिनट हमने पका लिया है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की आसान रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।